जर्सी मुझे ऐसा लग रहा है कि आज ये बच्चा देंगे ऐसा। इतना मारूंगा ना सुपड़ी के बच्चे तेरे को। भाग उधर चुड़िया, ले वासरू एक बड़ा ले भला मनाए थे। यहाँ पे जो है कि छोटे छोटे चारों ओर गाय के बच्चे बांध दिए हैं सुरेश भाई ने। बार बार जो है कि कान आके खींच रहे, बार बार कान आके खींच रहे। दो बार उसने मेरी नींद उड़ा दी। और वो भाई साहब जो है कि सुरेश भाई मेरे बाजू में सोया हुआ है, फोन में जो है कि देख रहा है। मैंने दो बार बोला कि भाई इसको चेंज कर, दूसरी जगह पे बात। यहाँ पे जो अपनी गिर गाय की जो है वो तो सब आराम से बैठे, लेकिन हमारी जो जर्सी सुपड़ी है ये उसका बच्चा है मेरे ख्याल से। हाँ, सुपड़ी का ही बच्चा है। और अपनी जो बकरी है उसको मेरे बगल में मैंने यहीं पे बांधा है, लेकिन मेरे को पहले इस बच्ची का कुछ करना पड़ेगा। इसको यहाँ से मेरे को पहले चेंज करना पड़ेगा। बता था कौन सी, ये बता था। ये देखो, हाँ ये तो सुपड़ी की जी। और एक जो एक देखो यहाँ पे है, लेकिन ये वाला जो है ये दिक्कत नहीं देता है, लेकिन ये वाला जो है इसने परेशान करके छोड़ा है मेरे को। एक ये देखो, एक आराम से यहाँ पे सो रहा है। अपनी बकरी कहाँ गई? बकरी तो यहाँ पे है। और उसका जो आवाज़ है वो भी बैठ गया है, क्योंकि आज जब से आई तब से वो इतना चिल्ला रही है। क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे बकरे हो गए मेरे ख्याल से, तो उसकी वजह से क्या है कि वहाँ पे उसको आदत उसकी होगी। और यहाँ पे जो है कि दूसरी कोई बकरी नहीं है, तो यहाँ पे जो है कितना ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही, तो उसका आवाज़ जो है अभी बैठ गया उस। और वो तो दूसरा कुछ चारा ही नहीं खा रही, क्योंकि बहुत ये देखो यहाँ पे जो है कि हरा घास लेके आया था, और इसमें पशु आहार है, इसमें जो है कि कुट्टी है, लेकिन वो तो नहीं खा रही है। और यहाँ पे जो है कि सुरेश भाई अभी सो रहे हैं। नहीं गए ये भगवान। और आज जो है कि बकरी तेरी है ना सुरेश भाई, यहाँ पे बांध के रखी है उसको, उसका ध्यान रख, नहीं तो कोई कुत्ता आएगा उसको यहाँ से उठा के गायब कर देगा। पहले तो उधर बांध दी थी घर के आगे, लेकिन वहां पे फिलहाल कोई सोता नहीं है, तो फिर इधर लाके उसको बांध दिया। इधर बहुत चिल्लाती थी। हाँ, उधर वो बहुत आवाज देती थी। दिन भर जो है वो चिल्ला चिल्ला के जो है कि उसका गस्सा ही बैठ गया, गल्ला जो है वही बैठ गया। अभी आवाज नहीं निकलता है, अभी ऐसा करते मैं अभी कैसे करते अभी। चलो अभी एक बार जो है कि भूरी और जर्सी दोनों को देख लेते हैं, फिर सो जाते हैं। यो यो, यहाँ पे है जर्सी, और यहाँ पे है पूरी। अभी तो ऐसा नहीं लग रहा है मुझे कि वो दोनों अभी बच्चा देंगे ऐसा। तो रुको सुरेश भाई, स्टार्ट, आवाज निकल इसका, बोल इसको आवाज निकाल। सुबह के लिए मिल्किंग के लिए जो कुट्टी निकाल के रखी थी आधे से ऊपर खत्म कर दी, या जहाँ तक मुंह गया वहाँ तक जो है कि पशु आहार खा लिया। कहाँ कल्टी मार दी उसने। उसके गले में जो है कि रस्सी है वो तोड़ के आ गई है वो। और अभी इतने आधी रात को भी देखो, अभी टाइम हो रहा है 1 बजा है, 1 बजे में इसके लिए रस्सी कहाँ ढूंढूँ। अभी एक काम करता है, उसको सुबह बांधेंगे अभी, क्योंकि अभी 1 बज रहा है ना, तो अभी रस्सी मिलेंगी। और वैसे भी इसने पेट भर के कुट्टी भी खा ली है, पशु आहार भी खा लिया है, तो अभी बांध के भी कुछ फायदा नहीं है। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो हम सब? कैसे है, आई होप आप सब मौज में हो गए। मैं भी एकदम मौज में हूँ। तो फाइनली जो है कि दोस्तों, आज जो है कि बारिश गया, आप व्यू देख सकते हो, पूरा जो आसमान है वो पूरा अभी खाली है। नहीं तो क्या होता है कि डेली जो है कि बादलों से घिरा हुआ होता है, तो डेली डर होता है कि सुबह बारिश आएगा, दोपहर को बारिश आएगा, शाम को बारिश आएगा। तो बारिश से हमें तो बहुत सारी दिक्कत होती है, आपको भी पता है कि यहाँ पे बहुत सारा कीचड़ होता है। तो वैसे तो कोई बारिश से दिक्कत नहीं होती, लेकिन दिक्कत खाली यही होती है कि एक बार बारिश
आधा घंटा भी आ गया तो यहाँ पे पूरा जो है कि पूरा यहाँ पे कीचड़ कीचड़ कर देगा। कल आपने बोला मेरी बुरी आदत बच्चा देंगी, कब देंगी बच्चा? अब आज ऐसा लग रहा है कि दे देंगी। 100%? 100% तो नहीं बोल सकता, हाँ 50% तो बोल सकता। ठीक है, ओके, देखते हैं। तो सुबह सुबह जो है कि हम गेहूं का भूसा जो है वो भर के आ गए थे, बाकी मिल्किंग वगैरह खत्म हो गया है। सुरेश भाई की वो लास्ट वाली गाय है, क्योंकि यहाँ पे सुरेश भाई अकेला मिल्किंग करने के लिए था, तो उसकी वजह से टाइम लगता है, क्योंकि अभी बज रहे हैं 7:45। क्योंकि इतनी सारी गाय का मिल्किंग करना है तो अगर एक आदमी मिल्किंग करता है तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि कुल मिला के गाय हमारी 20 से 22 गाय है जो दूध देती है वो गाय। अगर इतनी सारी गाय का एक साथ मिल्किंग करना है तो फिर मेरे ख्याल से 2 घंटा तो लग ही जाता है, 2-2.5 घंटा लग जाता है अगर एक आदमी सुरेश भाई अकेला अगर मिल्किंग करता है। हाँ, दोनों मिलके करते हैं तो फिर फटाफट से 1-1.5 घंटे के अंदर जो है कि पूरा मिल्किंग फिनिश हो जाता है। और ये रही अपनी जर्सी, कब बच्चे देंगे? महेश भाई, महेश भाई कल नहीं बोल रहा था, बोले नहीं देंगे, और आज क्या बोल रहे हैं? पूरी आज बच्चा दे देंगे, पूरी लग रहा है। हाँ, गई पूरे हल्ता है कुटुंब दे देंगे आज, ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो चल भूरी को वहां से कुट्टी ला के रख। कुट्टी खा गई? खा गए? कब रखी थी? वो नहीं खा गई है, इसी बछड़ी खा गया। क्यों? और रात को छूट गई। हाँ, मुझे पता। तो बोले इसकी जो पहली बच्ची है उसने सब कुट्टी खा ली, तो उसको महेश भाई को ये पता नहीं था कि वो मुझे पता था, क्योंकि मैंने उसको पहले हकाला, लेकिन बाद में जो है कि मेरे को उसके गले से उसने रस्सी तोड़ दी थी। तो रस्सी मैंने बोला इतनी आधी रात को कहाँ पे जो है कि उसको ढूंढूँ, तो मैंने क्या किया कि उसको खुला ही छोड़ दिया। तो मेरे ख्याल से वापस जाके पूरी कुट्टी ख़त्म कर गई। वही खाई देने पूरा सब खा गई वो। अभी जो है कि छोटे छोटे बच्चे जो है उनको महेश भाई क्या करता है कि मिल्किंग ख़त्म होने के बाद ये पूरे छोटे छोटे बच्चे हैं वो महेश भाई बांध देता है। चला दिया वासु बांधना, तो सबको उठा उठा के क्यों लेके जा रहा है ऐसे चला के उनके पे चला के लेके जा? चलते नहीं। हाँ हाँ, क्योंकि छोटे छोटे होते हैं ना वो चलते नहीं, बड़े होते हैं तो उनकी पूंछ पकड़ते हैं और गले में जो रस्सी है उनको पकड़ लेते हैं तो वो चले आते हैं, लेकिन जो है कि छोटे छोटे जो है वो चलते ही नहीं उनकी माँ को छोड़ के। अभी ये देखो कैसा पी रहे हैं। अभी क्या होता है ज्यादा टाइम अगर ऐसे ही पीने दिया कि उसके जो आंचल है उसमें दूध खत्म हो जाता है, बाद में जो है कि उस आंचल को चूसते रहते हैं, फिर बाद में जो है कि जख्म हो जाता है, क्योंकि ये जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, मैं अभी देखा था आपको, रुक जा रहे, ये देखो ये दांत दिख रहे हैं आपको, ये वाले दांत जो है उनको लगते हैं। एक बार मैंने बोला था तो मेरे को ये कमेंट्स आई थी कि छोटे बच्चे जो होते हैं उनको दांत नहीं होते, तो इसकी वजह से फाइनली मैंने आपको आज दांत दिखा दिए कि छोटे बच्चों को भी दांत होते हैं। वो देख किधर जा रहा हूँ। हाँ, इसने जो है कि आज पूरी रात मेरे को परेशान किया है, बहुत बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। तो जो डायर खाला मसले रहे मेरे पार दे सेटिंग ने पिस्तौल ले तुमने पिस्तौल ने केक बना दाना पूरा बम बम ये जो है तो ये आले जर्सी, मुझे ऐसा लग रहा है कि आज ये बच्चा देंगे ऐसा है जर्सी। भूरी का तो पता नहीं, जर्सी मुझे आज ऐसा लग रहा है कि आज बच्चा दे देंगे। बहुत सारे दोस्तों के मुझे ये कमेंट्स होते हैं कि जगदीश भाई आप वो जो बुल हमें बोले थे कि हम देखने जाने वाले तो अभी तक आप क्यों नहीं गए? तो यहाँ पे बहुत सारे काम है, बीच बीच में जो है कि बारिश आ रहा था तो उसकी वजह से मैं बुल देखने के लिए नहीं गया, लेकिन हाँ अभी कुछ 2 दिन में या 4 दिन के अंदर जो है कि वो बुल जाके हम देख के आएंगे। और बहुत सारे दोस्तों के कमेंट्स होती हैं, अलग अलग सबके प्रश्न होते हैं, तो उसका हम जो है कि हर ब्लॉग में रिप्लाई नहीं कर सकते, तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना सबको एक साथ ही रिप्लाई दिया जाए। तो आप जिस भी भाई के जो भी प्रश्न है आप इस ब्लॉग के नीचे हमें कमेंट करके बता दो, हम अगला जो ब्लॉग है उस ब्लॉग में नाम के साथ आपको रिप्लाई करेंगे।
आपके नाम के साथ आपको रिप्लाई करेंगे। तो सभी जो है दोस्तों फटाफट से कमेंट कर दो, जो भी पूछना है इस ब्लॉग में पूछ लो, अगले ब्लॉग में मैं आपको सबका रिप्लाई दे दूंगा। वो क्या होता है कि हाँ डेली आप पूछते रहते हो और मैं उसका रिप्लाई नहीं करता हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो फिर मैंने बोला कि एक साथ सबको रिप्लाई देंगे, तो जो भी पूछना चाहते हो इस ब्लॉग के नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बता देना। अगले ब्लॉग में जो है कि हम टोटल आपके नाम के साथ हम आपको रिप्लाई करेंगे। तो फटाफट से नीचे कमेंट कर दो। और दूसरी बात कि हमारे ब्लॉग जो है 30,000-40,000 इतने सारे लोग देखते हैं, खाली देखते हो यार, चैनल को सब्सक्राइब तो कर दो। सब्सक्राइब करने के लिए कोई पैसा नहीं लगता है, तो भाइयों प्लीज़ जाके आप जो लाल कलर का बटन है उसे दबा दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और हाँ व्लॉग को लाइक भी कर देना। तो चलो फटाफट से नीचे कमेंट कर दो, अगले व्लॉग में जो है कि सभी को रिप्लाई मिल जाएंगे। खाती हूँ बराबर। ओ अरे महेश भाई बकरिया जो है थोड़ा पूरा खराब आगे कर दे, हाँ बस अभी छोड़ दे उसको। महेश भाई तेरा काम है ना, कभी कभी तू ऐसा अच्छा काम नहीं करता, बुरा काम कर देता है। छोटे रखे तो रख दे छोटे, कोई बात नहीं। अभी जो भूरी है कि वो तो नहीं उठेंगे क्योंकि वैसे भी उसकी उम्र हो गई है और बच्चा देने वाली है, तो अभी वो बैठ गई। अभी सीधा जब पूरी गाय छूटेंगी तभी तो वो उठेगी, तब तक उठेंगी नहीं। ये वाली जो गाय है ये भी ज़्यादा दिन लेने वाली है नहीं, अपनी ब्लैक गिर जो कि ये भी बच्चा देने वाली है, ज़्यादा दिन नहीं 10 दिन के अंदर वो बच्चा दे देंगे। बहुत सारे बच्चे आपकी उम्र के ब्लॉग देखते हैं, तो आप ये सारा काम करते हो, आपको भी ऐसा काम करने में शर्म नहीं लगती? क्यों शर्म किस बात की, रोज का धंधा है हमारा। हाँ रोज का धंधा है, रोजी रोटी है मेरी। वाह क्या बात है। तो आप सबको बता दूँ मेरे ख्याल से इससे पहले ये जो गोबर है वो मैं उठाता था। मैंने आपको पहले बोला है कि मुझे कोई काम की शर्म नहीं, और अभी भी शर्म नहीं है, मैं अभी भी गोबर उठाता हूँ, मेरा काम है वो, पहले से करते आ रहा हूँ, तो मुझे कोई काम की कभी भी शर्म नहीं, और मैं कभी शर्म रखता ही नहीं हूँ। जो मेरा काम है उसमें मेरे को कोई शर्म नहीं, कभी भी एनी टाइम मैं कर लेता हूँ, मेरा महेश भाई भी कर लेता है। और एक हमारा जो महेश भाई है वो कभी कभी गीत जो सॉन्ग होता है वो गा लेता है। तो एक बार गुजरात में मैं था तो मुझे एक दो दोस्त मिले, तो वो मुझे पूछ रहे थे, उनको किसने बोला कि तुम्हारा छोटा भाई जो है कि वो बोले ओ ऐसा उसका जो एक स्क्रू ढीला है क्या, ऐसा बोला महेश भाई। क्यों पता है क्यों? क्योंकि आप जो है कि ये अपन जब ब्लॉग बनाते हैं ना तो जो गाना बोलते हैं इसकी वजह से, वो महेश भाई का शौक है। और दूसरी बात ये कि ये आपसे नहीं हो पाएगा क्योंकि ये जो सॉन्ग गाना है तो उसके लिए हिम्मत लगती है, खाली बोल के कुछ फ़ायदा नहीं। आप खाली एक वीडियो बना के क्लिप बना के सोशल मीडिया पर अपलोड तो करके दिखाओ, उसके लिए भी हिम्मत लगती है। और महेश भाई जो है हमारा, उसको पहले से गाने का बहुत शौक है, जब से उसको समझ आया तब से वो अकेला गुनगुनाता रहता है। मैं महेश भाई का बहुत बड़ा फैन हूँ और महेश भाई को बहुत पसंद है। तो क्या है लोग आपके बारे में ऐसा सोचते हैं, तो उससे आपको कुछ फर्क पड़ता है? बिल्कुल नहीं। और बहुत सारे दोस्त महेश भाई आपके जो सॉन्ग है उसको पसंद भी करते हैं, आप जब गाते हो तो बहुत सारे पसंद करते हैं। तो मुझे उनके पता है। हाँ तो आप कमेंट पढ़ते हो? हाँ पढ़ता हूँ। तो उन दोस्तों के लिए आप क्या कहना चाहोगे? उन लोगों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है और वो मुझे आगे बढ़ाना चाहते, मुझे फक्र है उन पर कि उन्होंने मुझे आगे बढ़ाने का और मौका देना चाहते। क्या तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। वाह। और महेश भाई जो है कि महेश भाई बोल रहा है कि इस लाइन में महेश भाई आगे जाके बोले मैं कुछ ना कुछ करना चाहता हूँ, तो डेफिनेटली महेश भाई मैं भी तेरे साथ हूँ, बहुत सारे दोस्त भी तेरे साथ हैं, तो आप ऐसे मुझे आप लोगों का साथ है यही मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। क्या बात है क्या बात है। ओ क्या होता है कि एक दो लोग जो है कि कुछ लोग जो होते हैं उनसे तो कुछ होता नहीं है, फालतू बातें बनाने में ज़्यादा इंटरेस्ट ले लेते हैं। हाँ उनसे कुछ होता नहीं लेकिन ज्ञान फैलने के लिए आ जाते हैं। हाँ। तो उनसे ना तो मुझे फ़र्क पड़ता है ना तो मेरे महेश भाई को पड़ता है, क्योंकि आप सारे दोस्तों का इतना सारा सपोर्ट है तो जलने वाले से हमें कोई फ़र्क पड़ता पड़ता ही नहीं। पास हो क्यों आयो?
गड्डू मार खाओ है आप यहाँ होता है उठने अपन घन कर चारा नहीं खा रही हो खाली घास ही हरा वाला जो घास था रचका होता है रचका ही खाती दूसरा नहीं खाती ले अरे वो गड्ढा मारेगा तेरे को गड्ढो मार से गड्ढो हेलो यहाँ क्या आवाज बैठ गया दर्शी ये दर्शी अब उसके आंचल पे जख्म देख सकते हो जब चरने के लिए जाते हैं तब की जख्म है वो अरे जब से हम लेके आए तब से दूसरा काम ही नहीं कर रही चिल्लाए जा रही है ना तो कल से आई कुछ खाना खाया है चिल्लाए रही है एक काम करते हैं इस बकरी को जो है कि वापस सेल कर देंगे क्योंकि अगर खाना नहीं खाए तो अगर दो तीन दिन अगर खाना नहीं खाएंगे तो मर जाएंगी तो अभी यही करना पड़ेगा अगर आज के दिन अगर उसने खाना नहीं खाया तो उसको वापस सेल कर देंगे हम अपनी जो ये ब्लैक गिर है अभी ज़्यादा दिन नहीं लेंगे हम 10-15 दिन के अंदर जो है कि ब्लैक गिर भी बच्चा दे देंगी इसको आज कोई मारने वाला है ये देख गई देखो ये बोल रहे ये क्या आ गया तो अभी चलो गेट बंद कर देते बहुत सारे दोस्तों की मुझे कमेंट्स आती है कि जगदीश भाई लिली को बताओ बहुत सारे दोस्तों ने वो व्लॉग नहीं देखा होगा तो उसकी वजह से उनको नहीं पता है मैंने एक व्लॉग बनाया था जिसमें बोला था कि भाई अपने लिली जो है उसकी डेथ हो गई है लिली जो है वो अब इस दुनिया में नहीं रही है लेकिन बहुत सारे दोस्तों ने वो व्लॉग नहीं देखा है तो फिर से मैं बता दूं कि भाई लिली जो है अब हमारे बीच नहीं है उसको लगभग मेरे ख्याल से अभी 4-5 महीने हो गए 5-6 महीने हो गए तभी जो है कि उसकी डेथ हो गई वो गुजर गई तो अभी भूरी की जो बच्ची आएंगी तो उसका नाम अगर बछड़ी आती है तो 100% उसका नाम हम लिली रखेंगे निकल बारा ये देखो कुत्ता देखो अरे कुछ नहीं करेंगे आज बाहर वो कुत्ता को देख लिया है इसकी वजह से जोर जोर से चिल्ला रही हूँ निकल बाहर तो फाइनली दोस्तों जो उनका न्यू सॉन्ग है वो आ गया है और इधर जो है कि सब सॉन्ग ही देख रहे हैं कौन आई कौन है कौन बाकी इनको पूछते हैं कैसा लगा क्यों लगी ये सॉन्ग क्यों हम महेश भाई को पूछेंगे महेश भाई क्यों लगी कतई शानदार ओह क्यों लगी रिया जबरदस्त इसलिए क्यों लगी सरस सरस चलो तुम क्यों लगी सरस ठीक है तो अगर आप देखना चाहते हो तो नीचे मैं लिंक दे दूंगा और इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड मिलते हैं कोई नए ब्लॉग में जय श्री कृष्णा